नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। आज की तारीख में अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी जाननी है तो आप सीधा नेट खोलते हैं और सर्च इंजन गूगल पर खोजना शुरू कर देते हैं और आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाता है। लेकिन वहीं यदि आप अंग्रेजी में इडियट शब्द लिखकर इमेज पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इन सभी रिजल्ट्स में आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर नजर आएगी। इसी बात से नाराज अमेरिकी सांसदों ने इसका विरोध करते हुए आपत्ति जताई और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को संसद में तलब कर कड़ी फटकार लगाते हुए कड़े सवाल पूछे कि आखिर क्यों इडियट लिखने पर राष्ट्रपति की फोटो सामने आ जाती है। इस पर अमेरिकी सांसदों का सामना करते हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि गूगल किसी का भी अपमान नहीं करता और इडियट लिखने पर ट्रंप का फोटो आना तकनीकी आधार पर हो रहा है। कंपनी जानबूझकर कोई डोनाल्ड ट्रंप की छवि धूमिल करने की कोशिश नहीं कर रही है। गूगल सर्च में जब कोई यूजर कीवर्ड डालता है तो एल्गोरिदम के आधार पर उस वेब पेज पर और फोटो को खोजता है और जब किसी शब्द को बार बार ढूंढा जाता है तो सर्च इंजन उस कीवर्ड को लोकप्रियता के आधार पर शामिल कर लेता है और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति का फोटो स्क्रीन पर आ जाता है। फिर भी गूगल की दलीलों से अमेरिकी सांसद खुश नहीं हुए और कंपनी को कहा कि इसके लिए कंपनी कुछ ठोस उपाय करे, नहीं तो गूगल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।